10 फरवरी से शुरू हो रही है माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्र, और इस गुप्त नवरात्र को महादेव के साथ साथ माता दुर्गा का भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको गुरुजी ने गुप्त नवरात्रि में कुछ विशेष उपाय करने को कहा है, जो उपाय आपको गुप्त नवरात्र के समय ही करना है, इसका वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 10 फरवरी से इस माघ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि रहेगी, और इस गुप्त नवरात्रि को माता दुर्गा और महादेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए गुरु जी द्वारा बताए कुछ विशेष उपाय को आपको करना है, ताकि माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किन किन उपायों का वर्णन आज की इस वीडियो में हम आपको करेंगे। तो सबसे पहला उपाय रहेगा, आपके बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, आपकी नहीं सुनते हैं, तो उसके लिए। दूसरा है घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए। तीसरा है शीघ्र विवाह के लिए। चौथा, आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, महादेव का दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए। और पांचवा है, पति पत्नी में कलेश हो रहे हो तो उसके लिए। अपने जीवन की इन सभी समस्याओं के लिए आपको गुरुजी द्वारा बताए इन 5 महाउपायों को करना है। ये सारे उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ गुप्त नवरात्रि में ही करना है, तो आप वीडियो को ध्यान से सुने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उपाय, गुरुजी ने कहा कि श्री महाप्राण की कथा वर्णन करती है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपकी नहीं सुनते हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपको पलट कर जवाब दे देते हैं, आपकी नहीं सुनते, बड़ों का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं, तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। इसके लिए आपको सिर्फ माता दुर्गा के मंदिर जाकर लाल पुष्प, लाल चूड़ी और लाल चंदन आपको माता रानी को समर्पित करना है, और फिर आपको अपनी झोली फैलाकर माता रानी से प्रार्थना करना है कि माता, ये मेरा बेटा है या बेटी है, इसे आप सद्बुद्धि दे, सत्मार्ग प्रदान करें। ये चढ़ावा आप गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन माता रानी को चढ़ाकर अपनी प्रार्थना माता रानी से, अपनी निवेदन माता रानी से आप कर सकते हैं। बस इतना ही करने से माता रानी की कृपा आपको और आपके बच्चे को प्राप्त हो जाती है। साथ ही आपके बच्चे को माँ दुर्गा स्वयं सत्मार्ग दिखाती है और उसे सही रास्ते पर लाती है, जिससे आपके बच्चे में सद्बुद्धि आ सके और वो सत्कर्म के मार्ग पर चलकर उन्नति प्राप्त कर सके, सफलता प्राप्त कर सके। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में सुख शांति नहीं आ रही है, आपके घर में धन संपदा की कमी है, धन की वजह से लड़ाइयाँ होती है, पैसे की तंगी की वजह से घर में झगड़े होते हैं, घर में क्लेश होते हैं, बिल्कुल भी घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में इस विशेष उपाय को करना है। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में इन विशेष उपायों को करके माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करके अपने घर की धन संपदा को भर सकते हैं और अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको अपने घर में ही, अगर आपके पास माँ दुर्गा की फोटो हो या मूर्ति हो, तो उनके सामने आपको गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक, यानी कि कल 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक, आपको लंबी बाती का घी का दिया माँ दुर्गा के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको एक विशेष बात का स्मरण रखना है कि जब आप दिया माता दुर्गा के सामने प्रज्वलित करें, घी का दिया प्रज्वलित करें, तो उसका मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना है। श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है, अगर आप चाहो और अगर आप में सामर्थ्य हो, तो आप गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी कन्याओं को आप चाहे भोजन कराकर लाल रंग की सामग्री, जैसे कि चुनरी लाल कलर की, या फिर लाल कलर की चूड़ी, या फिर लाल नेल पेंट, या कोई भी लाल रंग की वस्तु भेंट कर सकते हैं। बस इतना ही करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके घर की सारी समस्याओं को दूर कर देती है।
साथ ही कन्या रूप में माँ दुर्गा का आगमन आपके घर में होता है। माँ आपके घर में सुख शांति समृद्धि धन संपदा बरकत लेकर आती है और उसे आपके घर से कभी भी जाने नहीं देती है। आपके घर में धन का भंडार भर देती है। आप अवश्य इस गुप्त नवरात्रि में कम से कम एक कन्या को तो भोजन अवश्य कराएं और उसे एक लाल चीज कोई भी लाल कलर की चीज उसे अवश्य दें। निश्चित ही माँ दुर्गा की विशेष कृपा आप पर जरूर होगी और आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। जानते हैं अब तीसरा उपाय। गुरु जी ने तीसरा उपाय श्री महापुराण में वर्णित गुप्त नवरात्र के शीघ्र विवाह वाला बताएं। गुरु जी ने कहा कि जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है उनकी उम्र 30 साल 32 साल 36 साल हो गई है, उससे ज़्यादा हो गई है और उनका विवाह नहीं हो रहा है या फिर अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो गुरु जी ने कहा कि उन बेटा बेटियों को इस गुप्त नवरात्र के इस विशेष उपाय को करना है। इस गुप्त नवरात्र का यह उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है, तो आप इस गुप्त नवरात्र के पावन अवसर पर ये पावन उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चूके। इसके लिए आपको गुप्त नवरात्रि की जो कि 10 फरवरी यानी कि कल से प्रारंभ हो रही है उसके पंचम दिन यानी कि 14 फरवरी को आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाले कुछ विशेष चीजों की आवश्यकता होगी जो कि आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए आपको एक आम की पत्ती चाहिए और थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी और सिंदूर या रोली चाहिए। साथ ही आपको थोड़ी सी पीली चावल और थोड़ा सा लाल चावल चाहिए। चावल में हल्दी मिलाकर आप चावल को पीला कर सकते हो और चावल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर आप चावल को लाल कर ले। फिर आपको आम की पत्ती के ऊपर दो स्वास्तिक बनाना है। एक स्वास्तिक आपको पीसी हुई हल्दी से बनाना है थोड़ा सा गीला करके उसमें पानी डाल के, और दूसरा स्वास्तिक आपको सिंदूर या फिर रोली से बनाना है। सिंदूर और हल्दी से स्वास्तिक बना लेने के बाद आपको आपने सिंदूर से जो चावल लाल किए हैं उस लाल चावल को आपको हल्दी से बनाई हुई स्वास्तिक के ऊपर रखना है। ध्यान से सुने, आप जो सिंदूर या रोली से चावल को लाल किए हो उससे उस लाल चावल को आपको हल्दी से बनाई हुई स्वास्तिक के ऊपर रखना है और पीले जो आपने चावल किए हैं उसे आपको सिंदूर या रोली से बनाई हुई स्वास्तिक के ऊपर रखना है। इतना कर लेने के बाद फिर आपको उस आम के पत्ते को जिस बेटा या बेटी की शादी नहीं हो रही है उसके हाथ में रख देना है। फिर उन्हें अपना नाम और गोत्र बोलना है और फिर उस आम के पत्ते को आपको नीम के पेड़ के नीचे छोड़ देना है। बस इतना ही कर देने से यह निश्चित है कि उस बेटा बेटी के लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी उनका विवाह हो जाता है। शिव पार्वती जैसे जोड़ी उनकी बनती है और स्वयं शिव पार्वती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। जीवन भर साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। गुरु जी ने कहा कि आपको इस विशेष उपाय को नवरात्रि के पंचम दिन में यानी कि 14 फरवरी को इस विशेष उपाय को करना है। साथ ही इस विशेष दिन यानी कि 14 फरवरी को गुप्त नवरात्रि के पंचम दिन के साथ साथ बसंत पंचमी की भी विशेष तिथि है, इसलिए आप इस उपाय को अवश्य करें जिससे आपकी शादी में जो अड़चने आ रही होगी वो दूर हो जाएगी और माँ दुर्गा के साथ साथ महादेव की भी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी भी जोड़ी शिव पार्वती जैसे बन जाएगी। चौथा उपाय। गुरु जी ने कहा कि शिव महापुराण की इस विशेष उपाय को करने से, गुप्त नवरात्र की इस विशेष उपाय को करने से माता जानकी यानी कि माता सीता को भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। उनकी भगवान श्री राम के दर्शन करने की मनोकामना गुप्त नवरात्रि में इस उपाय को करने से पूरी हुई थी। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना होती है और वो गुप्त नवरात्रि के इस विशेष उपाय को करता है तो माता सीता की तरह उन्हें भी शिव पार्वती का माँ दुर्गा का विशेष कृपा प्राप्त होता है और उनकी भी सारी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूरा कर देती है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना हो तो अगर आप इस उपाय को करते हो तो यह निश्चित है कि आपकी भी मनोकामना माता जानकी की तरह माँ दुर्गा और
महादेव के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। आपकी सारी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूरा कर देगी। यह उपाय आपको इस गुप्त नवरात्र के पहले दिन से नौवे दिन तक यानी कि आपको पूरे 9 दिनों तक इस विशेष उपाय को करना है। 9 दिनों यानी कि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पुष्प की आवश्यकता होगी। कोई भी पुष्प का आप प्रयोग इस उपाय में कर सकते हो, बस आपको केतकी के पुष्प का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है कि केतकी का पुष्प शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। तो आपको कल 10 फरवरी को गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से आपको 9 पुष्प शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर समर्पित करना है। यहाँ जहाँ आपको मन हो आप शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 9 पुष्प को चढ़ा सकते हैं। गुरुजी ने कोई विशेष स्थान नहीं बताया है। जहाँ आपको पुष्प अर्पित करना हो आप शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार करते हुए उस पुष्प को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए समर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि पहले दिन आपको 9 पुष्प समर्पित करना है, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन आपको 18 पुष्प समर्पित करना है, तीसरे दिन आपको 27 पुष्प समर्पित करना है। इसी तरह आपको 9-9 फूल बढ़ाते हुए शिव जी पर रोज 9 दिनों तक पुष्प समर्पित करना है, यानी कि चौथे दिन आपको 36 पुष्प, पांचवे दिन 45, छठवें दिन आपको 54 पुष्प, सातवें दिन 63 पुष्प, आठवें दिन 72 पुष्प और 18 फरवरी को यानी कि गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन आप को 81 फूल शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी को समर्पित करना है। मात्र इतना ही कर देने से माता सीता की मनोकामना भोलेनाथ और मां दुर्गा ने पूरे किए थे, उसी प्रकार इस उपाय को करने से अवश्य ही मां दुर्गा व भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और जिस भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को करेंगे वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस गुप्त नवरात्र के इस पावन अवसर पर यह पावन उपाय करने से आप बिल्कुल भी न चूके, यह निश्चित है कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होने वाली है। पांचवा और अंतिम उपाय गुरुजी ने बताया कि श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर पति पत्नी में क्लेश हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हो, आपस में बहुत ज्यादा तनाव बनी हुई है, तो आपको गुप्त नवरात्रि का यह विशेष उपाय करना है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको माँ दुर्गा के मंदिर जाकर एक ध्वजा लगाना है। मंदिर में ध्वजा आपको मक्खन लगाकर लगाना है। इसके लिए आप ध्वजा पंडित को भी दे सकते हैं लगाने के लिए, अगर आपको लगाते ना बने तो, ताकि वो ध्वजा मंदिर में लगा दे। साथ ही माँ दुर्गा के माँ जगदम्बा के मंदिर में आपको आपके सामर्थ्य के अनुसार मक्खन भी दान करना है। प्रसाद के रूप में आपको यह मक्खन दान करना है। श्री महापुराण की कथा कहती है कि मात्र आपके इतना ही कर देने से आप पति पत्नी के बीच में जो क्लेश, जो झगड़ा, जो तनाव आ रहा होता है वो सब दूर हो जाता है, उनके बीच में सब अच्छा हो जाता है और वो सुख शांति से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनका भी रिश्ता माँ पार्वती और भोलेनाथ जैसे बन जाता है। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, यानी कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रही है और 18 फरवरी को गुप्त नवरात्रि समाप्त हो जाएगी, तो आप इन 9 दिनों में से किसी भी दिन इस विशेष उपाय को करके माँ दुर्गा और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मात्र आपको इतना ही कर देना है। तो ये थी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के 5 विशेष महा उपाय जो आपको इस गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में करना है। इन उपायों को करके आप माँ दुर्गा और महादेव दोनों की ही कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको गुरुजी द्वारा बताए गए इन सारे उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के गुप्त नवरात्रि के इन विशेष उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी से करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर, अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को, तकलीफों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव। जय महाकाल।